करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ सभी वर्ग के, सभी उम्र के और सभी तरह के लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये हम बिल्कुल करेंगे। हमें केवल याद रखना है 19 तारीख 11:30 बजे हाथ से हाथ जोड़कर हम खड़े हैं। इसके उद्देश्य के बारे में काफी कुछ बताया गया है, मैं उस पर नहीं ज्यादा बताना चाहूंगा। मैं केवल प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में आप लोगों के मन में ये बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे तरफ से हर वो छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखी गई हैं, ताकि आपको, आपके परिवार के लोगों को, आपके अगल बगल के लोगों के, आपके बच्चों को, बूढ़ों को, जो भी इसमें सम्मिलित होंगे, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, चाहे वो आने जाने में हो या उनकी सुरक्षा की बात हो। सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं अपनी जगह पे रहेंगी, आप उसको मूर्त रूप में देखेंगे भी। ट्रैफिक की व्यवस्था, हमारा केवल ये आपसे आह्वान है, आपसे अनुरोध है, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर ना केवल खुद शामिल हो, बल्कि अपने अगल बगल के सभी लोगों को प्रेरित भी करें कि वो आए। हम एक ऐसे चीज के लिए यहाँ पर खड़े हो रहे हैं जो किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, ये हमारे मानव अस्तित्व के लिए, आने वाले समय के लिए। जिस तरह से हम लोग अपनी मेहनत की कमाई का छोटा छोटा हिस्सा क्यों बचाते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं, उनका जो आने वाला समय है वो सुरक्षित रह सके, तो हमारे पूरे अस्तित्व के लिए ये चीज जरूरी है। इसलिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहेंगी। एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद, और आप लोगों को से विनम्र अनुरोध कि वो समय और वो दिन जरूर याद रखें, उस दिन हमारे लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं रहेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग फिर से नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। धन्यवाद। बार बार एक ही अनुरोध, 19 जनवरी 11 बजे अपने गांव के उस पगडंडी पर जिसे मानव श्रृंखला के लिए चिन्हित किया गया, वहां आपकी उपस्थिति बिहार को एक नया आयाम देगी, पर्यावरण संरक्षण को एक नया परिणाम देगी। इसी संकल्प की सार्थकता आप में समाहित, आइए जिला पदाधिकारी महोदया के उन सुनियोजित योजनाओं और संकल्पनाओं को जो 19 जनवरी को सीतामढ़ी में मूर्त रूप लेगी और सीतामढ़ी वासियों की अभिलाषा पूर्ण होगी। मैं विशेष अनुरोध राणा जी से करूंगा कि इस मंच पर आप ये जिला अध्यक्ष महोदय राणा सर, जो कि मेरे अभिभावक हैं। दोस्तों, ये तो भाषण का मंच है नहीं, विनम्रता आग्रह और निमंत्रण का मंच है। हम तो मैडम अभिलाषा शर्मा जी का और आरक्षी अधीक्षक अनिल कुमार जी कप्तान और उनके सहयोगियों का निर्देश लेने आए थे, और उसमें अपना सहयोग करने के लिए यहाँ संकल्पित हुए हैं। दोस्तों, इस ऐतिहासिक मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए मंच पर आई हुई जिला की सभ्यता के प्रतीक, शालीनता के प्रतीक और माँ सीता की धरती पर जुल्म और अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय को धरातल पर लाने के लिए बैठी हुई मंच पर डीएम अभिलाषा शर्मा जी, इस जिला के कप्तान आरक्षी अधीक्षक अनिल जी, अनुमंडला अधिकारी जी, उनके तीनों अनुमंडल के पुलिस उपाधीक्षक जी, जिला के सभी कनीय वरीय सहयोगी पदाधिकारीगण उपस्थित इस मैदान में, इस सीतामढ़ी में इतिहास बनाने के लिए आए हुए सभी किसान मजदूर और सज्जनों, हम सबसे पहले
नववर्ष की शुभकामना देता हूं, मंगल कामना करता हूं, और जिस मंगल कामना के लिए हम आपको शुभकामना दे रहे हैं आज उसी से संबंधित आज की जो बैठक है इसको सफल हो इसकी भी कामना मैं करता हूं। दोस्तों, कई पदाधिकारी, चाहे वो विज्ञान के रहे हो छात्र, कला के रहे हो, भूगोल के रहे हो या इतिहास के रहे हो, और एक संचालन करता भी इस जिला को बड़ा सौभाग्य प्राप्त है जो बराबर इस जिला को गौरवान्वित करते रहते हैं। हमने तमाम लोगों की जो बातें सुनी उसके बाद कुछ कहने का कुछ रह नहीं गया है, लेकिन हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपके सिपाही हैं। मेरा फर्ज बनता है कि जो जिस काम को करे उसके बारे में कुछ कहें। हम आज इस ऐतिहासिक मैदान से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। वो इतने दूरदर्शी हैं, कह रहे थे हमारे एसडीओ साहब, तीनों डीएसपी साहब बोल रहे थे, जलवायु परिवर्तन में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, कौन सी घटनाएं घटनी है। वैसे तो सामाजिक न्याय के साथ बिहार में जो प्रतिमान उन्होंने स्थापित किया, पूरे हिंदुस्तान में बिहार मॉडल बनता है, विश्व में भी उनका नाम है, लेकिन विश्व का पहला नेता कहिए, आपका बेटा कहिए, भाई कहिए, बिहारी कहिए, जिन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया है जो आज विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर तमाम अधिकारी पदाधिकारी ने आपको बताने का काम किया है, हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। हम भी आज निवेदन करना चाहते हैं, जलवायु परिवर्तन का कौन सा फलाफल होने वाला है तमाम लोगों ने बताया है, और हम जो हमारे नेता चिंतित हैं, जो दूरदर्शी हैं, दूरदर्शिता हैं, उस कड़ी में आज अभिलाषा शर्मा के नेतृत्व में, अनिल कुमार जी के नेतृत्व में, पदाधिकारी सरहद की हिफाजत करते हुए, समाज की हिफाजत करते हुए, इंसानियत की हिफाजत करते हुए, हमारे भविष्य की हिफाजत के लिए आज हमको बात देना चाहते हैं, और हम भी इसी कड़ी में विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं। 21 जनवरी को जो आपने, वैसे तो बिहार इतिहास बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है, और उस इतिहास बनाने में सीतामढ़ी अगली कतार में रहा है, आज उस इतिहास को पुनः दोहराने के लिए और उससे आगे कीर्तिमान स्थापित करने के लिए 19 तारीख को जो पदाधिकारियों के द्वारा जो मानव श्रृंखला का जो लागू किया जा रहा है, जो चालू किया जाएगा, जहां भी खाली हो उसको हमको भर कर करके अभिलाषा शर्मा और अनिल कुमार जी के इस अभियान को सफल बनाने। दोस्तों, आज भी 9:30 में अभिलाषा शर्मा जी, मैं अपने नेता से आज मिलने गया था, और 9:40 तक हमको उनसे बातचीत हुई। सीतामढ़ी के भाइयों को मैं संवाद देता हूं, अभी जो कार्यक्रम हुआ था आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने यहाँ के जनता को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को और यहाँ के पदाधिकारियों को जो साधुवाद दिए हैं, हम कह नहीं सकते हैं, ये सीतामढ़ी का गौरव है। जल जीवन हरियाली, तभी आएगी खुशहाली। जय हिंद, जय नीतीश, जय हरियाली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सौभाग्य है सीतामढ़ी का कि जनप्रतिनिधियों का यह उत्साह आज पता के उन बुलंदियों को चूमने को आतुर है। मैं माननीय राजकिशोर सिंह कुशवाहा जी, जो हम सबों के अभिभावक के